आई एक्चुअली थॉट सैदपुर विलेज वाली जगह को सैदपुर रोड कहते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल ओनली रूज और वेलकम इफ यू न्यू। यू सी आई एम ऑब्सेस्ड विद टर्की, आई एम लिटरली ऑब्सेस्ड विद टर्की। वी रिसेंटली गॉट टू नो कि पिंडी में एक सर्टन प्लेस है जहाँ एक स्टॉल खुला है जो कि एक्चुअल, मतलब एग्जैक्ट एक्चुअल तो नहीं कह सकते, बट देन अगेन सम वॉट ऑफ द सॉर्ट डोडरमा आइसक्रीम का स्टॉल है एंड दे डू ऑल दोज ट्रिक्स एंड वो भी एंटरटेनिंग किस्म का होता है। आई डोंट इवन नो इफ दैट गाइज टर्किश और नॉट, या वो जस्ट कोई पाकिस्तानी है जस्ट ड्रेस्ड अप एज अ टर्किश। लेकिन वट इंटरेस्ट्स मी इज कि एटलीस्ट देर इज समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट राइट, एंड सो वी थॉट वील गो देयर टुडे। और अभी हम आ जा रहे हैं, इवन दो माई डे वॉज सुपर पैक्ड, आई हैड क्लास इन द मॉर्निंग, कल वैसे ही वर्किंग था, संडे डायरेक्टली आज संडे, और संडे का भी अब ऑलमोस्ट 5 PM होने लगे हैं तो इट्स ऑलमोस्ट डन। तो एनीवे हम आ जा रहे हैं एंड आई रियली होप इट्स गुड, आई विल टेक यू गाइस अलोंग, लेट्स सी हाउ दैट गोस। जस्ट बिफोर हेडिंग आउट लेट मी शो यू माई आउटफिट, माई नेल्स, स्टफ लाइक दैट। सो दिस इज माई नेल सिचुएशन। ये बेसिकली वही जो मेरे पिछले एक और ब्लॉग में भी था ना, एक शाइनी सी मैं नेल पेंट लगाई हुई थी, ये उसी तरह की है। ये एक पिंक कलर, ये जो पिंक वाली है ना, ये तो मेरी उसमें आती है पैरिस नेल पेंट्स वाली वीडियो में, लिंक डाल इन द डिस्क्रिप्शन, तो वो देखना, उसमें ये शेड आएगा, आई डोंट एग्जैक्टली नो कौन सा वाला है। और इसी का सिल्वर वाले एक डॉट्स लगा दें, और इस वाले में यू कैन सी कितना बड़ा डॉट लग गया बाय मिस्टेक। एनीवे तो ये नेल पेंट है, द स्कार्फ एंड द शर्ट, दिस इज बेसिकली अन अनस्टिच्ड शर्ट फ्रॉम खाड़ी, गॉट इट स्टिच्ड इन अ फ्रॉक फॉर्म, जो कि पॉसिबली यू विल सी मोर अगर हम वहाँ मार्केट में जाके शूट करेंगे। एक चॉकलेट है, एक वनीला और एक पिस्ता है मेरे ख्याल से। मैं वनीला लूंगी, आप मैं चॉकलेट लूंगा। जब वो बच्चे इतना एक्साइटेड होकर देख रहे थे एंड इट फेल सो गुड, फिर वी थॉट कि यार दे शुड गेट अ चांस एज़ वेल। तो फिर हमने कहा कि चलो जी आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ। तो उन दोनों की बारी है, वो इतना हंस रहे थे, मतलब हम लोग हंस रहे थे, हम लोग को मज़ा आ रहा था, बट उनका देख के इट वॉज लाइक फिट हो गया यार, मतलब सो वी आर बैक होम, देयर इज अ स्टॉल वेयर दैट गाय इज सिटिंग, और जब आप जाते हैं तो इट्स फॉर 100 rupees ईच, काइंड ऑफ लाइक वन आइसक्रीम फॉर 100 rupees। तो मोर ऑफ लेस बताए ऑनेस्टली आइसक्रीम टेस्ट वाइज वॉजंट दैट गुड, इट वॉज जस्ट अ रेगुलर आइसक्रीम जो भी मार्केट में मिलती है, इनफैक्ट मतलब जो रैंडम स्टॉल्स से जो आइसक्रीम्स मिल रही होती हैं, काइंड ऑफ लाइक दोज। लेकिन
the actual thing was to experience it. That was fun. Or you give 100 rupees, Bob ke saath thode bahut tricks karte hain, they just make you go bonkers. Aur to kya kehte hain uske baad, that's it. And that guy was so good. मतलब इतना फ्रेंडली बंदा था. और ही वॉज लाइक ओके वी वर लाइक पिक्चर खींचने आपके से, वी वॉज लाइक या श्योर वाई नॉट, एंड देन ही वॉज लाइक आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, थैंक यू थैंक यू. अच्छा मेरे साथ पता है क्या हुआ था, आई डोंट नो इफ यू नोटिस दैट इन द फुटेज, लेकिन मेरे साथ पता है क्या हुआ था, जब मेरी बारी थी ना तो एक शिफ्ट उसने पूरी की, मतलब दो तीन स्टेप्स में वो ट्रिक्स कर रहा था. तो एट वन टाइम ही गेव मी दैट आइसक्रीम, और मे बी आई गॉट द आइसक्रीम, आई डोंट नो क्या हुआ था उस टाइम. एंड आई एक्चुअली थॉट कि मैंने आइसक्रीम पकड़ ली, एंड द मोमेंट आई लुक्ड एट द कोन, वो बेसिकली कोन के ऊपर उसने ना क्या कहते हैं टिशू पेपर, टिशू जो होता है ना उसको खुश 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 करके ऊपर रखा हुआ था. देन ही वॉज लुकिंग एट मी एंड ही वॉज लाफिंग, आई वाज लाइक ये क्या लो वापस, देन ही वाज ही स्टार्टेड लाफिंग, ही वाज लाइक आइसक्रीम. एंड देन ही द नेक्स्ट राउंड जो खत्म हुआ ना, तब उसने जाकर मुझे सही वाली आइसक्रीम दी थी. ये जो जगह है ये इफ़ यू नो सैदपुर रोड, तो मैं आपको वहाँ से बता सकती हूँ. मैं एग्जैक्ट ये नहीं बता सकती सैदपुर रोड कौन सी जगह है, क्योंकि आई डोंट इवन नो दैट. बट सैदपुर रोड पे पंजाब कैशन गैरी है एग्जैक्ट, उसके साथ टोंडरमा की शॉप थी, ये स्टॉल था, मतलब बेसिकली इट्स अ शॉप इज वेल, लेकिन उसके बाहर वो स्टॉल लगा बना हुआ ना. और देयर इज दिस टर्किश डूड जो कि आपको आई गेस यू कैन स्पॉट हिम फ्रॉम फार अवे, क्योंकि उसके रेड से ड्रेस है, कैप उसने पहनी हुई, उस पर टर्की लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली यू कैन स्पॉट हिम पंजाब कैशन गैरी के साथ. और अक्रॉस द रोड सेव मार्ट था, तो यू कैन स्पॉट द प्लेस इफ़ यू हैव सीन द एरिया. It was really good. It was fun. I think you must have noticed those kids जो एक बहन भाई खड़े हुए थे साइड पर, बहुत हंस रहे थे जब हम लोग अपने ट्रिक्स वगैरह, हम मतलब वहाँ स्टॉल पर थे ना. लिटरली सींग दैम गेटिंग सो एक्साइटेड अबाउट द होल आइसक्रीम एक्सपीरियंस, सींग दैम गेटिंग हैप्पी एंड लाफिंग, और इस तरह इतना मज़ा आ रहा था देख के, एंड इट फेल सो गुड. और मतलब हमारा एक्सपीरियंस भी इट वॉज वेरी गुड, लेकिन उस पूरे के बाद ना सही होलसम फील आ रही थी. दैट वॉज ऑल फॉर आवर संडे. अब वक्त है एडिटिंग का, आई विल बी एडिटिंग दिस व्लॉग एंड होपफुली इंशाल्लाह इट विल बी अप वेरी सून. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, कमेंट एंड लेट मी नो आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था इस वीडियो का, एंड आई रियली होप यू लाइक द वीडियो, लेट मी नो इफ यू लाइक इट, और डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, लाइक द बटन दबा दिए, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल बजा के भाग जाएं. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई हैंडल इज ओनली रोज जस्ट लाइक हियर ऑन यूट्यूब. आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन बी अ बॉस.